जी ताकत से नहीं होते क्वेश्चन। प्लीज इधर देखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई किसी ने बहुत अच्छी सी बात कही थी कि सफाई जो है ना वो झाड़ू से होती है, लट से नहीं होती। मैं भाई बड़ा सा डंडा लिया और सफाई करने लगा। ऐसी सॉफ्ट चाहिए जो हर जगह जाके आराम से गंदगी को निकाल सके। तो थोड़ा सा सॉफ्ट सोचा करो, आप लोग बहुत हार्ड सोचते हो कि क्वेश्चन दिया बहुत ही मुश्किल सा होगा बस पूरा फुल तैयारी के साथ। कभी कभी ऊपर ऊपर का लाइन भी तो देखा करो, है क्या आपके पास, क्या है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सीधा सा क्वेश्चन था, सिलेंडर कोन एंड हेमिस्फीयर। दूसरी बात ये, मैं हमेशा ये कहता हूँ सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम नहीं होती है मैथ्स में, या इवन इन एनी क्वेश्चन देयर इज नो प्रॉब्लम इन सॉल्यूशन। प्रॉब्लम इज ऑलवेज इनसाइड द प्रॉब्लम, इन द प्रॉब्लम, इन द क्वेश्चन। अक्सर जो स्टूडेंट्स कहते हैं वो क्या कहते हैं, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको सॉल्यूशन कहां से समझ में आएगा, और आप सॉल्यूशन करने लगते हो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आपने क्या शुरू कर दिया, सॉल्यूशन। एक आदमी के दर्द हो रहा है, आपको बीमारी पता नहीं चली और आपने उस पर दवाई देनी शुरू, लेट डिस्प्रिन खा और ब्रूफेन खा और ये खा और ये वाली मेडिसिन खा। अब उसको क्या पता किस चीज़ का दर्द है, चोट लगी है, हड्डी टूटी है या हार्ट पेन है, किस चीज़ का। सबके लिए दवाई अलग है, तो पहले दर्द पहचानोगे या दवाई देनी शुरू करोगे। अब हार्ट अटैक हो रहा है डिस्प्रिन दे दो, फैल जाएगा बेचारा जी, तो पहले क्या पहचानेंगे। किसी ने भी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई नहीं किया अब तक, गर्दन नीचे करी और तलवार निकाली और शुरू हो गए, यलगार है भाई। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम देन सॉल्व द क्वेश्चन। अक्सर आप ताकत इसी में लगा रहे हैं। तीनों को बाहर जाना है, मैं बाहर करूं, यहां रहिए प्लीज, इधर आइए। आपसे क्या कह रहा है, सिलेंडर दिया हुआ है, ए सिलेंडर एंड ए कोन एंड ए हेमिस्फेयर ऑफ द सेम बेस। अगर बेस सेम है तो इसका मतलब है रेडियस सेम। रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर, और नेक्स्ट लाइन में इसमें क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर आपने ये बात समझ ली, ऑफ द सेम बेस एंड सेम हाइट, और किसी ने इस लाइन को समझने की कोशिश नहीं करी, इन तीनों की हाइट सेम है, बट नालायक सिंह ये बताओ हेमिस्फीयर में कभी हाइट होती है क्या। किसी ने समझा इस चीज को, हेमिस्फीयर में हाइट होती है, क्या होता है हेमिस्फीयर में, रेडियस। तो इसका भी हाइट रेडियस है, इसका भी हाइट रेडियस, ये क्वेश्चन था बस, कहानी खत्म हो गई। तो प्रॉब्लम कहाँ है, सॉल्यूशन में या क्वेश्चन में। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, अब आपको पता है बहुत आसानी से, पाई आर स्क्वायर एच, आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपको क्या मालूम है, एच तो आर ही है, तो एच क्या हो जाएगा, यहां पे भी एच क्या हो जाएगा, तो ये पाई आर क्यूब हुआ, ये पाई आर क्यूब हुआ, ये पाई आर क्यूब हुआ। जब हम कैंसिल करेंगे तो तीनों में एक साथ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते कि दो में करते हैं और एक में ना करें। जो बचा वो हमारा रेशियो है, न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड रेशियो। आपके पास क्या आया, 1:1/3:2/3, ये आंसर है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि रेशियो फ्रैक्शनल नहीं होता, फ्रैक्शंस में नहीं होता। तो फ्रैक्शंस में नहीं होता तो क्या करते हैं, जो भी एलसीएम होता है उससे हर एक टर्म को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3:1, इट विल बी 3:1/3, इट विल बी 3:2/3, सो 3:3, व्हाट इज द आंसर, 3:1:2। तो प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम में, और आप कहाँ ढूंढते हो, सॉल्यूशन में। ताकत लगा दे पूरी, ये देखो क्या बना के बैठे, ठीक है सर, नहीं आउट ऑफ सिलेबस था ये, पाकिस्तान से आया था क्वेश्चन।
है भाई, बॉर्डर पार आतंकवादी,